अरे राम या कभी कभी इसको यहाँ रख देते हैं। कभी कभी आपका मन करता है कि आप बात करो और कुछ ऐसी चीजें बता दो जो सिर्फ आपने सीखी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वही आज मेरे साथ हुआ कि मैं निकला घर से गड्डी लेके और दिल में ख्याल आया कि आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोग सोचते हो कि मुझे ये ऐसी पिक्चरें कैसे मिलती हैं, मतलब कौन सी पिक्चरें हैं। पिक्चरें ये वाली और ये वाली। ऐसा करो, आप थोड़ी सी पिक्चरें देखो पहले। तो हाँ जी, देखिए आपने कुछ पिक्चरें, और ये पिक्चरें हैं जो आप लोग सोचते हो कि मतलब मैं कोई जादू करता हूँ या मुझे कोई एक्सपीरियंस है या मैंने कोई ऐसा कोई कोर्स करा है या मुझे कुछ एक ऐसी कोई चीज़ पता है जिससे मुझे ऐसी पिक्चरें मिलती हैं। ऐसा है नहीं कुछ। मैं कोई बड़ी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं करता हूँ और मुझको ऐसी पिक्चरें मिल जाती हैं। पिक्चरें सिर्फ एक ही चीज़ से मिलती हैं, क्योंकि पिक्चरें हर जगह हैं और पिक्चरें कभी भी हैं और किसी भी टाइम वो आपके सामने आ जाती हैं। ज़्यादातर पिक्चरें आपको भी मिलती हैं, सिर्फ आँखों से मिलती हैं, कैमरा से नहीं मिल पाती। और वो कैमरा से सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि मैं इसको कहाँ लगाऊँ, इसको मेरे को दिखाना है ना कुछ। रुक जाओ, क्या करूँ, इसको कैसे पकड़ूँ, इसको मैं यहाँ चिपका लेता हूँ। नहीं, हाँ तो मैंने इसको चिपका लिया। तो हाँ, तो मेरे को जो पिक्चरें मिलती हैं और मैं जो सबको बार बार बोलता हूँ कि भाई एक ही तरीका है जिससे आपको भी वो अजीब सी पिक्चरें, वो ऐसी पिक्चरें जिनको देखकर लोग सोचते हैं कि ये पिक्चरें कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये पिक्चरें तो हो ही नहीं सकती, वो मोमेंट्स, वो एक्सक्लूसिव लुक, वो जिसको बोलते हैं जक्स्टपोजिशन कह लो, या ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारी आंखों के सामने गुजर जाती हैं लेकिन हमें मिल नहीं पाती हैं। लेकिन वो मिल इसलिए नहीं पाती हैं, हम तैयार नहीं होते। तो सबसे बड़ा रूल स्ट्रीट फोटोग्राफी में या ऐसी पिक्चरें खींचने के लिए, मतलब फोटोग्राफी में भी हो सकता है वो, कि आप हमेशा एक कैमरा, एटलीस्ट एक कैमरा, कोई सा भी कैमरा, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, छोटा है तो अच्छा है, अपने पास हमेशा रखो। चाहे आप कहीं पर भी जा रहे हो, चाहे आप घूम रहे हो, चाहे आप टहल रहे हो, चाहे आप बाथरूम के लिए गए हो, चाहे आप दुकान में गए हो, चाहे आप अपने दोस्तों से मिलने गए हो, फैमिली के साथ बाहर जा रहे हो, कहीं पर भी निकलो तो भाई आपके पास ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो पिक्चर निकल जाएगी। पिक्चरें आपको भी दिखती हैं, पिक्चरें आपके सामने भी होती हैं, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए नहीं मिल पाती क्योंकि आपके पास ये जो चीज़ है ना कैमरा, वो नहीं होता। तो कोई ऐसी स्पेशल टेक्निक नहीं है जिससे कि मेरे को ऐसी पिक्चरें मिलती हैं। सिर्फ यही है कि आप कैमरा हमेशा अपने साथ रखो, अपने पास रखो और उसको हमेशा रेडी रखो एज पर द सिचुएशन। जैसे कि अभी मौसम बहुत फेडेड सा है, बादल से हो रहे हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ पर क्या सेटिंग होगी या किस तरह की सेटिंग में मुझे अच्छी पिक्चरें मिल पाएंगी। बस अपना कैमरा रेडी रखो और अपने पास रखो, फिर देखो आपको पिक्चरें क्यों नहीं मिलेंगी। मिलेंगी, मेरी जैसी पिक्चरें भी मिलेंगी। तो यही सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक है जिसके द्वारा आप भी वैसी पिक्चरें ले सकते हो जैसी पिक्चरें अभी मैंने आपको दिखाई। कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई ऐसी स्पेशल टेक्निक नहीं है, और जीत लो, कर लो मैदान फतेह।
तो यही एक छोटी सी बात थी जो मेरे दिमाग में घूम रही थी, जो मैंने सोचा कि आपको बता दी जाए। और यही एक स्पेशल ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा आप भी ऐसी पिक्चरें ला सकते हो। तो ले लो भैया, अपने साथ रखो कैमरा हमेशा और देखो चेंज अपने काम में। बस इतना ही था, और तो कुछ नहीं है। निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं। बाय बाय टाड़ा। ये रही हूँ, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या? मेरी गाड़ी में जो गुस्सा आ गया उसको मेरे ख्याल लॉक लग गया था, मैंने पता नहीं लॉक लग गया था या क्या हुआ था, कुछ तो हुआ था, मतलब गुस्सा हो गई हमारी गाड़ी। तो ये है भाई खेल, सिंपल सा। और इसी तरह से हम ला पाते हैं वैसी पिक्चरें जैसी पिक्चरें आप सोचते हो कि कैसे लाते हैं। देखो भाई, समझाना, दिखाना, बताना अपन का काम है, बाकी करना ना करना तो आपके ऊपर है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ऐसी कहीं पे कभी दिल करेगा तो बता देंगे आपको कि क्या हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, चाओ।